टू ऑल, आज आप क्लास 5 में हिंदी कोर्स बुक का एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन आंसर हम दे चुके हैं, शायद आप नोट्स भी कर लिए होंगे, और जो नोट्स चेक नहीं करवाए हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे जल्द से जल्द भेजें, ताकि हम ये देख लेंगे कि कितना स्टूडेंट जो है वो नोट्स क्लियर किया है। ये भेजना बहुत जरूरी है, आप लोग इसको इग्नोर नहीं करें। एक्सरसाइज 3 और ये पढ़ाने के बाद फिर हम कल आपका हिंदी ग्रामर पहले लेंगे, क्योंकि उसमें भी हम सेकंड चैप्टर पढ़ाए हैं, उसका फिर सारा प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व हम करवाएंगे। इसीलिए आप कल हिंदी व्याकरण लेकर के रेडी रहेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण भी फिर हमको लेना एकदम अनिवार्य है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 3 में सरदार भगत सिंह है, इसका एक कविता है, यही कहीं अंकित समाधि में भगत सिंह की अमर कहानी देता है इतिहास गवाही, वह था एक महाबलिदानी। ठीक है, समाधि क्या होता है? समाधि मतलब है कि जहां हम महापुरुषों को जला करके जिस स्थान पर जो है उसे जलाया जाता है या दफनाया जाता है, तो वहां जो हम एक समाधि बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यही कहीं अंकित समाधि में भगत सिंह की अमर कहानी है, इतिहास गवाही देता है कि वह एक बहुत बड़ा बलिदानी था। अपना सब कुछ दांव लगाकर बड़ा क्रांति का सफल सिपाही, कांप गया अंग्रेजी शासन उसने ऐसी हक लगाई। अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वह क्रांति का सबसे सफल सिपाही बना, और इसके साहस और हिम्मत और पौरुष से अंग्रेजी शासन कांप गई थी। उसने ऐसी हाक लगाई, ऐसी डंकार लगाई, हुंकार लगाई कि अंग्रेजी शासन भी कांप गई थी। उसने और संयम और साहस का पाठ पढ़ाता स्वयं पिता से, सुनी क्रांति की अनगिनत लोरी झूले पर ही दादी मां। यानी उसने संयम और साहस का पाठ किससे पढ़ा था? पिता से। और क्रांति की जो अनगिनत लोरी है उन्हें झूले पर ही बचपन में उसे दादी माँ ने सुनाया था। बचपन से ही जिसके मन में भाव बढ़े थे कुर्बानी के, जिसने बदल दिए भयानक अंग्रेजों की बेईमानी के। कह रहा है कि बचपन से ही जिसके मन में, क्योंकि उसके मन में कुर्बानी के भाव भरे थे कि हमें देश के लिए समर्पित हो जाना है, हमें अपने आप को देश की सेवा में लगा देना है, इसने बदल दिए भयानक अंग्रेजों की बेईमानी के। क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है वह कूटनीति की चाल चल के हमें गुमराह करके फूट डाला और शासन किया। इसलिए कहा जा रहा है, अंग्रेजों का दर्द चूरकर, दर्द मतलब घमंड, उसका घमंड को चूरकर जब तक ये स्वाभिमानी जिंदा रहा तो उसका घमंड को चूर चूर करता रहा, और स्वयं मौत को हंसते हंसते वरण किया ऐसा था मानो। लेकिन जब उसे फांसी की सजा होगी तो वह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। क्रांतिवीर था सच्चा सैनिक, भय का उसमें नाम नहीं था, संघर्षों में यौवन बीता, क्षणभर का आराम नहीं था। ये सैनिक बहुत ही सच्चा क्रांतिवीर था, उसके मन में, उसके नाम में, उसके अंदर है नाम का कोई चीज नहीं था, उसे डर नहीं था। उसका यौवन यानी जवानी उसका संघर्ष में बीता था, और इसे पल भर का भी आराम नहीं था। अमर शहीदों की समाधि में, यानी अमर शहीदों की जो समाधि थी वहां हम अपने माथा, अपने मस्तक को झुकाते आए हैं, उनके बलिदानों को सदैव, यानी वो जो बलिदान दिए हमारे देश की आजादी के लिए, अपने प्राण को न्योछावर किए, वहां हम शीश झुकाते आए हैं हम। इसलिए हम आपको अलग अलग टाइप से समझाए, क्योंकि कविता है, इसका सारांश जब तक समझ में नहीं आएगा इसका क्वेश्चन आंसर भी करना बहुत नामुमकिन है। अब जैसे इसके लेखक है शंकर सुल्तानपुरी, इसमें जो कुछ शब्दार्थ है ये शब्दार्थ आपको तो याद करना ही है सबसे पहले, और कविता भी आप प्रयास करेंगे कि 12 लाइन इसका याद कर लें। अब देखिए
टिकाउट जो है वो आप क्लियर कर लीजिए। कविता में किसकी अमर कहानी बताई गई है, तो ये होगा चंद्रशेखर भगत सिंह। भगत सिंह ने संयम और साहस का पाठ किससे पढ़ा था, उसका सही आंसर हो जाएगा पिता से। उसके बाद बचपन से भगत सिंह के मन में किसके भाव भरे थे, तो तीन नंबर में टिक मारेंगे कुर्बानी। भगत सिंह का जीवन किसमें बीता, तो उसमें दो नंबर में टिक मारेंगे संघर्षों। समझ में आ गया इसका क्वेश्चन आंसर, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो सबसे पहले हम बोले हैं कि हिंदी ग्रामर लेंगे, हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर। आप अपना बुक लेकर के रेडी रहेंगे कल। अभी फिलहाल आप इसका होमवर्क में लिखेंगे कविता 12 पंक्ति याद करें, शब्दार्थ याद करें और एक पेज सुलेख लिखें। ठीक है, इतना काम जो है आपको करना है। ये काम जब आप कर लेंगे उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है आपको देंगे। आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, आपको जितना भी हम बता रहे हैं ये एकदम करना है। अब यहाँ आ जाइए, जैसे यहाँ है पेज नंबर 23 में, इसको आप भर लेंगे जैसे स्वयं पर अभिमान, स्वाभिमान, तो जो ना मरे, एक शब्द क्या होगा लिखेंगे अमर। उसके बाद जो देश के लिए बलिदान हो जाए, जो देश के लिए बलिदान हो जाए उसे आप जो है क्या कहेंगे, आप उसमें दो शब्द भी जोड़ सकते हैं, बलिदानी, क्रांतिकारी, या बस यही दो में से कोई एक शब्द लिखिए जिसका अंत ना हो, अनंत एक शब्द, जिसे गिना ना जा सके अनगिनत। ठीक है, सुलाने के लिए गाया जाने वाला गाना, उसमें लिखेंगे लोरी। लोरी में बड़ी रौ नहीं देंगे, छोटी रौ दुर्गी कर देंगे। ठीक है, समझ कर लिखना है, साहस है तो जैसे साहसी, तो दान का क्या लिखेंगे, दानी दीर्घई कर, विद्रोह विद्रोही दीर्घई कर, शहर शहरी दीर्घई कर, रेशम रेशमी, बल बलवान। उसी तरह से विपरीतार्थक शब्दों का आपस में मिलान करना है, तो वीर का क्या होगा, कायर, बुढ़ापा का क्या होगा, बुढ़ापा का जैसे एक मिनट, धीर का अधीर, वरन का त्याग, और बुढ़ापा का होगा बचपन। समझ में आ गया, बस उसके बाद है कि नीचे दिए गए प्रत्ययों से चार चार शब्द बना के लिखिए, जैसे नी से, क्योंकि प्रत्यय है तो वो तो शब्द के अंत में लगता है, इसलिए नी को लिया गया है। यदि उपसर्ग रहेगा तब तो पहला शब्द रहेगा दिया हुआ, इसे प्र से बनाना है तो प्र प्रारंभ में होना चाहिए, शुरू में, या नी से बनाना, जैसे बलिदानी दिया हुआ है तो चार ठो आपको लिखना है, ये तो आप लिख लेंगे। ऊपर वाला जितना बताए हैं ये आप अच्छी तरह पेंसिल से भर लेंगे। ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे। जितना चीज हम आपको बताए हैं ये सारा काम आप विधिवत किया कीजिए। थैंक यू।